हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं गांव होली खेलने के लिए। तो मेरे को टाइम नहीं मिला, इसलिए स्टेशन में ही व्लॉग चालू कर दिया, क्योंकि मेरे को मतलब कि थोड़ा सा बिजी भी था, काम भी था, इसलिए टाइम नहीं मिला मेरे को। तो आए हैं, देख सकते हैं आप, बड़ाकर स्टेशन। तो यहीं से हमारा ट्रेन है और हम जा रहे हैं, और मेरी चाची जा रही है, मेरा छोटा भाई आयुष और एक बकरी। क्या कर सकते हैं आप, बकरी मेरे को ले जाना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ले जाना पड़ेगा ही, क्योंकि मेरा वहाँ पर नानी है ना, जो मांगा है तो मेरे को देना ही पड़ेगा। तो दिखाते हैं आपको कौन कौन मेरा साथ जा रहा है। तो वहीं पर रील्स बनाएंगे, होली का भी ब्लॉग बनाएंगे, तो मिस मत करना, बहुत ही मस्त ब्लॉग होने वाला है। और देख सकते हैं आप कौन कौन है मेरे साथ। बकरी और चाची है मेरा और आयुष। कुछ बोलना चाहते हैं आप? कुछ नहीं बोलना चाहता, बहुत शर्मा रहा है। बोलो का बोले, बोलो का गोरा का बोल रहा। तो रास्ते में बकरी को ले जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा, बट देख सकते हैं अब चिल्ला रहा, क्योंकि माय से बिछड़ गया, घर से बिछड़ गया, दोस्त लोग से बिछड़ गया, इसलिए चिल्ला रहा। हर कोई बिछड़ता तो चिल्लाता है कि नहीं, इसलिए हम है जब तक, तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा हम हर चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर उतना कैपेबिलिटी है, हर चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए सीधा ट्रेन आ रहा है, 8:45 में हमारा ट्रेन है, तो हम लोग ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। आने दीजिए, फिर आराम से बैठ के जाएंगे, आपको आगे का सीन दिखाएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहे, और आपका भाई का चैनल है तो दबा के सपोर्ट कर देना, लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों, हमारे यहाँ ट्रेन आ चुका है और हम ट्रेन के अंदर इंटर कर चुके हैं, और यहाँ हमारा सीट नंबर भी मिल गया, मेरे को दिक्कत नहीं हुआ खोजने में। तो देख सकते हो हमारा सीट नंबर किधर है, लुक एट दिस। तो यहाँ देख सकते हो, ये कार्टून में व्यस्त है, बहुत कार्टून देख रहा है, देख सकते हो। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, अपने जगह में मैंने एक बकरी को बिठा दिया, इसे ढक दिया है ताकि टिटी को लगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है, बट टिटी आया चेक करने टिकट और ये चिल्ला दिया और मैं पकड़ा गया। तो मैंने बोला सॉरी, फिर टिटी वाले मान गए। तो सफ़र यहाँ थोड़ा सा मुश्किल था, बट कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं हर चीज़। फाइनली यहाँ गांव भी हम आ गए हैं, देख सकते हो किस तरह का नज़ारा है, और भी आगे का सीन दिखाएंगे, बस वीडियो में एंड तक बने रहो। लिटरली गाइस, बहुत ही मस्त होने वाला है, ठीक? तो आप देख सकते हो किस तरह का है, गांव का सीन ही बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। तो गाइस देख सकते हैं आप, हम लोग घर तरफ लहरी देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लहरी मिलता ही नहीं है, और देखने को और खाने को भी। और यहाँ देख सकते हो, गाँव आया हो तो यहाँ पर लहरी इतना ज़्यादा है कि खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन खा नहीं रहा हूँ, एक ही खाया मन भर गया, बहुत मज़ा भी आ रहा है। देख सकते हो यहाँ जितना भी आपको साइड में दिख रहा है, सारा का सारा लहरी है। और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, या आप गांव में रहते हैं, या आपका गांव में घर है, तो आप ज़रूर जानते होंगे। मैं तो खुद इसके बारे में भूल गया था, बट आज ही मेरे को पता चला कि लहरी भी कोई चीज़ होता है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट है, खा के देखें, बहुत मज़ा आ रहा है। आप आइए देखिए मेरे साथ, आइए वीडियो में बने रहिए। देख सकते हैं पूरा लहरी है मेरे साइड, अगल बगल में इस साइड में लहरी है, इस साइड में लहरी है, और उधर का भी सीन दिखा दो भाई लोग को, देख सकते हो पूरा खुला सा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अगर गांव नहीं आए, ब्लॉग नहीं बनाए, तो क्या फिर बनाए, अभी मज़ा भी नहीं आएगा। तो आगे चलते रहिए, आगे का भी सीन आपको दिखाते। तो मैंने अपना फ़ोन दौड़ दिया है लेके इस तरह का सीन लेने के लिए, कैसा लग रहा है बताओ। तो देख सकते हो किस तरह का सीन है, और देख सकते हो बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल मूवमेंट हो गया है यहाँ, बताओ क्या सीन है। अच्छा लगा मेरे को, आपको कैसा लगा? मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप लोग बताना, ठीक है? मैं भी जानना चाहता हूँ आपका राय, अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लोग कमेंट करोगे। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, मैं कहाँ आया हूँ, गाँव आया हूँ, वो भी 10 साल के बाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज क्योंकि यहाँ हरियाली है, हर्रा हर्रा, मतलब सीन गांव का नज़ारा यही होता है कि यहाँ पर
हर्रा हर्रा बहुत देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है, लगता कि हाँ प्रकृतिक देन का स्वागत हम ही कर रहे हैं, अच्छा लगता है। तो आपको कैसा लग रहा है आप लोग भी बता, आप लोग का गांव में घर है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन जिसका गांव में घर है वो बहुत ही खुशनसीब है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल प्राकृतिक जो होता है ना, यहाँ पर पेड़ पौधा, इससे मतलब क्या होता है आयु लंबा हो जाता है और इस सब का हवा लेना चाहिए। इधर सुबह बहुत मज़ा आता होगा, लेकिन हम तो आज आए हैं, हमको अभी मज़ा आ रहा है। लेकिन देख सकते हैं आप किस तरह का नज़ारा है। अभी मैं ट्रेन से आया हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन रील्स ज़रूर बनाऊँगा और ये व्लॉग भी अपलोड ज़रूर करूँगा। तो आप लोग देख लेना, जब अपलोड करूँगा तो बता दूँगा आपको। तो देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा है। तो आपको किस तरह का लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो आपसे बाद में बात करते, फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर आया हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या बोले क्या नहीं, क्योंकि लगता है कि मैं बहुत कुछ बोलने वाला हूँ, लेकिन माइंड में शब्द ही नहीं आता कि हम क्या बोले। मतलब कि इतना देख के हम मतलब एक्साइटमेंट हो जाता है कि कोई लफ्ज़ ही नहीं निकालता। लेकिन एक बात है, मैं जितना शांत हूँ समझ लो लफ्ज़ बहुत आ चुका है, लेकिन मुँह से निकल नहीं रहा। लेकिन हमको गाँव बहुत अच्छा लगा, सीन भी देख सकते हो आप। और यही मतलब सोचा कि आया हूँ गाँव होली खेलने के लिए, तो वीडियो तो बनता है, ब्लॉग अच्छा लगता है बनाने में मेरे को, और आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो क्या करना पता ना, होली का भी वीडियो आएगा, लेकिन पहले गांव का वीडियो अपलोड कर लेते हैं, उसका बाद होली का भी वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो बस यहीं तक का सफ़र है गाँव का मेरा। तो अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना पता ना, लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और जो भी गांव में रहते हैं और जिसको गांव पसंद है वो तो सबसे ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे, बाय बाय।